जैसा कि अभी बात हो रही थी, तुम लोगों से भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, इस बारिश के मौसम में जिस तरह की प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, उनके पेशेंट्स झेल रहे हैं, वेट वेदर पे इतने लेक्चर हो गए, उसके बावजूद भी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। अनुभव इकट्ठा होने में, चीजों को धीरे धीरे बढ़ने में, कॉन्फिडेंस आने में, पहले आप प्रयोग करते हो, फिर फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स के बाद बिना निराश हुए अपना परसीवरेंस आप बनाए रखते हो और फिर प्रयोग करते हो, और जब रिजल्ट आते हैं तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस साल दर साल पाइल अप होता है, एक्सपीरियंस पाइल अप होता है। इस प्रोसेस से सभी को गुजरना होता है, कोई अपवाद नहीं है। आज आप जिस व्यक्ति को अच्छी प्रैक्टिस, जिस डॉक्टर को अच्छी प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं, कल वो भी इसी इन्हीं स्थितियों से गुजरा है, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि कोई बहुत अच्छा जो प्रैक्टिशनर है और आप एक जो नए प्रैक्टिशनर हैं, उसमें और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि वो उसके पास टाइम और एक्सपीरियंस, यानी कि समझ लो कि एक लंबी रोड है तो वो आपसे कई किलोमीटर आगे है, बट वो आप हैं उसी रोड पे अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें किसी तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना पेशेंस और अपना परसीवरेंस हमेशा बनाए रखें अगर आप एक बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एक अच्छे होम्योपैथ बनना चाहते हैं। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे डॉक्टर सुमन आप भी जूझी, तुम भी जूझे, परेशान हुए, तो आज मैंने डिसाइड किया, आज मैं किसी और चीज़ पे लेक्चर लेने वाला था, पर मैंने डिसाइड किया कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है और गाहे बगाहे बड़ी फ्रीक्वेंटली आपके पास, आप खुद, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सर भीग गए थे उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई, तुमने कहा तुम भीग गई और सिर्फ भीगने के नाम पे जुकाम हुआ, रस्टॉक्स ले लिया, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, फीवर हो गया और प्रॉब्लम झेलना पड़ा, फिर पहुंचे किसी तरीके से, लेकिन घूम फिर के पहुंचे प्रॉब्लम और परेशानियां उठाते हुए, लेकिन ये चीज आपको एक्सपीरियंस देगी, इस चीज का ध्यान रखना। गलती करने से डरने वाले लोग कभी नहीं सीखते। यहां आपने क्या गलती की कि आपने भीगने के नाम पे रस्टॉक्स ले लिया, जैसे कि भीगने की सभी प्रॉब्लम की दवा रस्टॉक्स है, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा से क्या कहा है, एलिमेंट्स, कॉजेशन और मैनिफेस्टेशन, ये मिलके टोटैलिटी बनाते हैं। अब ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है अपने टेस्ट में, जितनी अपनी किताबें हैं, जितनी अपनी बुक्स हैं और जितने एक्सपीरियंस हैं, कि भीगने के बाद अगर जुकाम हो जाए तो रस्टॉक्स काम आती है, है ही नहीं। ठीक, तो वेट वेदर का प्रभाव एक अलग है कि ये वेदर चल रहा है, लेकिन कोई अगर आपके पास डायरेक्ट आ गया और बड़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं कि साहब भीग गए थे, उसके बाद से ये दिक्कत है, तो आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको अपनी इस मौसम में अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत आसानी हो जाए, कि कोई आए आपके पास और वो सीधा कारण बताए कि भीग गया था और उसके बाद मेरे को ये दिक्कत हुई। तो अभी तुम और तुम जिस प्रॉब्लम से जूझे,
और गलतियां की, तो सबसे पहले उसी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे कॉमनली हमारे पास लोग बाग जो आते हैं भीगने के बाद कि डॉक्टर साहब भीग गया था उसके बाद ये सर्दी जुकाम हो गया, और आपने अगर सही रेमेडी नहीं ली, उल्टी सीधी अगर आप रेमेडी लेते रहे तो यही रिस्पांस आगे बढ़ेगा। प्राइमरी स्टेज का जो इन्फ्लामेशन होता है वो सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर धीरे से खांसी चालू हो जाएगी, फिर फीवर होने लग जाएगा, ठीक, और फिर सारी प्रॉब्लम्स की चेन चल पड़ेगी, और फिर क्या करता है आदमी, फिर सीधे भगता है एलोपैथी की तरफ कि अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, अब एक काम करें एलोपैथी की तरफ जाए। अगर कोई पेशेंट है तो उसके भी दिलो दिमाग में एक होम्योपैथी की रेस्पेक्ट, एक होम्योपैथी एक्यूट कंडीशन में कितने प्रभावशाली तरीके से, कितने जबरदस्त तरीके से रिलीफ दे सकती है, आप इस मैजिक से वंचित रह जाएंगे, खुद के केस में भी और अपने पेशेंट्स के केस में भी। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और आपसे अगर ये शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी जुकाम हो गया और मैं भीग गया था, आप कॉजेशन पूछे या उसने स्पॉन्टेनियसली बता दिया कि भीगने के बाद मेरे को सर्दी जुकाम हुआ था, अगर आप डॉक्टर केंट की रिपर्टरी खोलते हैं, अगर डॉक्टर केंट की रिपर्टरी खोलते हैं तो सिर्फ एक रेमेडी दी हुई है, एक रेमेडी कि भीग गया कोई और उसको सर्दी जुकाम हो गया, एंड दैट रेमेडी इज सीपीआर। क्यों डॉक्टर, तो जब आप भीगी थी और जब आपको सर्दी जुकाम हुआ था, द रेमेडी रिक्वायर्ड वॉज सीपीआर, एंड व्हाट हैड यू टेकन, आपने क्या ले लिया, रस्टॉक्स। कहीं से कोई संबंध ही नहीं है हमारी, क्या सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अब रस्टॉक्स ऐसे मैनिफेस्टेशन पैदा ही नहीं करती है। जब मैं रस्टॉक्स के बारे में बता रहा था इस वेट वेदर के कॉन्टेक्स्ट में, इतनी सारी चीजें बताई, आपने ज्यादातर देखी क्या, रूमेटिक प्रॉब्लम्स, मोस्टली रूमेटिक प्रॉब्लम्स। और अगर आप जो इतना डेवलपमेंट होके आ गया है डॉक्टर केंट के टाइम से, डॉक्टर केंट ने तो अपनी रिपोर्ट, और अभी भी मैं बता दे रहा हूं, मोस्ट रिलायबल रिपर्टरी इज केंट रिपर्टरी, सोचो इतने जुनून से, इतने डेडिकेशन से वो रिपर्टरी तैयार करी गई है। उस जमाने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लोग बाग लैंप्स की रोशनी में काम किया करते थे। डॉक्टर केंट के बारे में कहा जाता है वो प्रैक्टिकली अंधे हो गए थे रिपर्टरी में काम करते करते, इतना ज्यादा उनने दिन रात वर्क किया था उस चीज पे, ऐसे डेडिकेशन से, ऐसे समर्पण से ये चीज तैयार हुई है। और अगर आप आज के युग में आ जाएं और आज आप सिंथेसिस रिपर्टरी में देखें तो उसमें 5 रेमेडी टोटल हो गई हैं, लेकिन उसमें भी रस्टॉक्स नहीं है। अगर भीगने के बाद जुकाम हो जाए और जो रेमेडी जो जुड़ गई हैं, दे आर एंटिम क्रूड, कैसिया सोफेरा, नेट्रम कार्ब एंड पल्सेटिल्ला। ठीक, रस्टॉक्स सर्दी से मतलब भीगने के बाद हुए जुकाम में कब काम आती है, फिर डॉक्टर साहब भीग गया था लेकिन पूरा रेनकोट पहना हुआ था,
रेनकोट पहना हुआ था, बारिश में भीग गया था, है तो पूरा भी नहीं भीगा था, मैं सिर्फ सर सर भीग गया था, मेरा सिर्फ सर भीगा था। बाकी तो मैं रेनकोट पहना हुआ था, शूज पहना हुआ था, बरसाती शूज पहना हुआ था, रेनकोट पहना हुआ था, तो बाकी तो कुछ नहीं, सिर्फ सर भीगा था मेरा, क्योंकि बारिश बिल्कुल ऐसे आ रही थी और मैं बाइक में जा रहा था या खड़ा हुआ था, और या फिर मेरे रेनकोट का जो सर में बांधने वाला है वो ढीला था, तो मेरा सर सिर्फ गीला हुआ था, उसके बाद से जुकाम हो गया। देन ओनली सिंगल रेमेडी रस्टॉक्स अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस रिपर्टरी। बात समझ में? तो उल जरूर, उल्टा सीधा, सिर्फ बारिश में भीग जाने के नाम से रस्टॉक्स नहीं ले लेना। ध्यान से पहले सुनना, अपने मन को शांत रखना, एकदम से उछलने नहीं देना, बहुत जल्दी नहीं मचाना रेमेडी देने में और ना ही खुद लेने में, नहीं तो आपका पेशेंट भी भुगतेगा और आपको अगर प्रॉब्लम तो आप भी भुगतेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। समझ में आई? तो आज हम अपने लेक्चर को इसी चीज पे फोकस करते हैं कि बारिश में भीग जाने से होने वाली समस्याएं, होने वाली प्रॉब्लम्स, कोई भीग गया उसके बाद से उसको कोई दिक्कत शुरू हुई है। हमारे पास इस सीजन में कई बार लेके चल सिम्टम्स चले आते हैं लोग बाग कि डॉक्टर साहब ये यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, एकदम प्रेशर फील हो रहा है, आंखें एरिया में बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है, बिल्कुल एकदम है ना दबाव, पेन लग रहा है, नाक एकदम बंद है, स्टफी नोज हो रही है ना, सर एकदम भारी हो रहा है, बुखार भी साथ में हो सकता है, खांसी भी साथ में हो सकती है। डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला आपको साइनोसाइटिस हो रहा है। तो ऐसा सिम्टम जब आपको साइनस में प्रेशर महसूस हो, साइनसेस में प्रेशर फील हो, मैक्सिलरी चीक्स बोन में, आंखों के पीछे, नाक एकदम बंद बंद लगे, बिल्कुल कंजेशन, फीवर भी हो सकता है, साथ में खांसी भी हो सकती है, अच्छा भारी वाला या ऐसे लप लप करने वाला सरदर्द हो सकता है, तो इस पूरी कंडीशन को कैसे डिकोड करेंगे? और डॉक्टर ने बोल दिया, ये सुनते ही कि यहां दर्द हो रहा है, यहां प्रेसिव पेन हो रहा है, आंखों के पीछे प्रेसिव पेन हो रहा है, बिल्कुल दबाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि भैया साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है आपको। अब इस कंडीशन को हम रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कब कैसे डिकोड करेंगे? ऐसी कंडीशन इंसान को कब आती है? जब अगर हम अपने एज ए होम्योपैथ की लैंग्वेज में देखें, दैट इज कंजेशन ऑफ हेड। क्या चीज ये कहलाता है? हेड रीजन कंजेस्टेड हो गया। कंजेशन का मतलब होता है कि ब्लड का पूरा एक जगह आके इकट्ठा हो जाना, और जब पूरा इधर कंजेशन हो जाएगा इस एरिया में, तो यहां प्रेशर पेन, आंखों के पीछे प्रेशर पेन, सर में बिल्कुल भारी वाला हेडेक, नाक बंद, क्या बोलते हैं नाक को, नेजल कंजेशन, और नाक बंद होती है तो जो एलोपैथी में जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं उनका काम क्या रहता है? दे आर एंटी कंजेस्टेड, कंजेशन को कम करने के लिए। कंजेशन कम हो जाता है, नाक खुल जाती है, लेकिन तभी तक जब तक वो उस एंटी कंजेशन का असर है, जब तक क्यूरेटिव रेमेडी नहीं दोगे तब तक क्योर नहीं होने वाला, वक्ती आराम जरूर मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन अगर किसी को आ जाए, देखो भीगने के भी बड़े सारे, बहुत सारे पोल हैं अपने इसमें, पूरा भीग जाना, खाली सर भीग जाना, या पैर भीग जाना। कोई व्यक्ति अगर आके ये बोलता है,
छाता लेकर गया था, छाता था मेरे पास, या रेनकोट पहना हुआ था मैंने बारिश में, लेकिन जूतों में पानी घुस गया था, और वैसे गीले जूते पहन के मैं काफी देर घूम गया, या फिर बारिश में छाते से बाकी तो बच गया लेकिन पैर भीग गए थे खाली, तो हेड, ये जो मैंने कंडीशन बताई ये हमारी रूब्रिक में दिया है हेड चैप्टर में, हेड कंजेशन, हेड का कंजेशन ऑन गेटिंग फीट वेट, पैरों के भीग जाने से, देयर इज ओनली सिंगल रेमेडी गिवन एंड दैट इज डलका मारा। अब ये बोल तो दिया हेड कंजेशन, लेकिन अगर आप हेड कंजेशन नहीं समझेंगे, कोई आके आपसे क्या बोल रहा है तो आपके दिमाग में आएगा कि हमको रूब्रिक लेना है कंजेशन ऑफ हेड, बोला हुआ एलोपैथ ने साइनोसाइटिस या कुछ भी, लेकिन हमको हमारी रिपर्टरी की लैंग्वेज में क्या लेना है, हेड कंजेशन। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा रूब्रिक है कि हेड कंजेशन फलानी वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, लेकिन पहले आपको मालूम तो होना चाहिए कि पेशेंट आके क्या बोले तो हम उसको हेड कंजेशन लें। तो हेड कंजेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। हेड कंजेशन का पेशेंट आपसे आके, वो लेमैन है, वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को हेड कंजेशन हो गया, और आपको पका पकाया दे दिया कि हाँ आप तुरंत देख लो कि हेड कंजेशन। तो हेड कंजेशन को आप पहचानना सीखो। कंजेशन ऑफ हेड के सिम्टम्स होते हैं साइनस में प्रेशर, बिहाइंड आइज, चीक, ये जहां जहां साइनस है, प्रेशर, प्रेसिव पेन। आमतौर पे पेशेंट आके क्या बोलता है, डॉक्टर साहब सर्दी से जकड़ गया, देखिए ये पूरा दुख रहा है, बोले एकदम जैसे कि पूरा प्रेशर पड़ रहा है बिल्कुल एकदम, ऐसी लैंग्वेजेस यूज करते हैं पेशेंट्स। तो हेड कंजेशन का सिम्टम क्या होता है, साइनस में प्रेशर, आग के पीछे, चीक में, नाक का बहना या नाक बंद होना, जो कि एक हफ्ते से ज्यादा से चल रहा है, लास्टिंग मोर देन ए वीक, लगातार वर्ष होता हुआ हेडेक, भारी फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना हो सकती है, नाक से थिक येलो या ग्रीन म्यूकस, पीछे पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज, फटीग, थकान, इतनी सारी चीजें आदमी बोल सकता है, और आपको पहचानना है कि ये बात कर रहा है हेड कंजेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, जब पेशेंट आके बोलता है जी मिचला रहा, उल्टी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो हमारी को ये तुरंत समझ जाना चाहिए ही इज टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रिक कटार, ही इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। तुरंत डिकोड करना चाहिए, और ये डिकोड करना आप कैसे सीखोगे, इन सब चीजों को तुरंत अपनी रिपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कैसे सीखोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर, आप इस तरह की संगत में बैठोगे, इस तरह के एक्सपोजर में रहोगे, इस तरह की चीजें देखोगे, सुनोगे बार बार और समझोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पेशेंट बात कर रहा होगा और आपके तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। ठीक, समझ में आ गई आपके है? अब आप अगर यहां पे इस तरीके से सिम्टम्स को लेने लग गए कि प्रेसिव पेन इन मैक्सिलरी साइनस, प्रेसिव पेन इन आई, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, है ना, फीवर, कफ, तो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज चूक जाओगे। तो
तुरंत आपके दिमाग में डायग्नोस हो जाना चाहिए कि ये हमको रिपर्टरी में कहाँ मिलेगा, हेड कंजेशन ऑन गेटिंग फीट वेट, पैरों के भीग जाने से अगर इस तरह के लक्षण आए देन द रेमेडी इज डल का मारा। अब आप रस्टॉक्स ले लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो रस्टॉक्स इज ए वेरी गुड एंड वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी भीग जाने या वेट वेदर, बट वो यूनिवर्सल नहीं है कि हर प्रॉब्लम रस्टॉक्स अंधों की तरह। फिर तो एलोपैथी जैसा हो गया कि भीग गए तो रस्टॉक्स, नो, ऐसे काम नहीं करना। ठीक, आगे समझ में। भीगने के बाद कोई भीग के आया और सरदर्द की शिकायत कर रहा है, कोई भीग के आया और आपके पास सरदर्द की शिकायत कर रहा है, तो ये एक इनकम्प्लीट सिम्टम है। इनकम्प्लीट सिम्टम इसलिए है क्योंकि इसमें रेमेडीज ज्यादा है। मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज कैल्केरिया कार्ब एंड रस्टॉक्स, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारी रेमेडीज हैं, नेट्रम्यूर भी है, डलका मारा भी है, कोल्चिकम भी है। तो जब अब ऐसी कंडीशन है तो फिर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे इसके बीच में से? हम याद करेंगे डॉक्टर हेनरियम के बताए हुए एफोरिज्म 5 को, जहां उनने कहा है कि इन एक्यूट डिजीजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज एंड इट्स पर्टिकुलर्स। अब कॉजेशन से, भीगने से सरदर्द, हमारे पास एक रेमेडी नहीं आई है, 16-17-18 रेमेडीज करीब हैं। डॉक्टर केंट रिपर्टरी में देखें तो देर आर 16 रेमेडीज, और सिंथेसिस रिपर्टरी में देखें तो देर आर 18 रेमेडीज। तो मतलब जब एक से ज्यादा रेमेडी है तो केस इनकम्प्लीट नहीं है, केस कंप्लीट नहीं है। अब हमको इसके पर्टिकुलर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और पर्टिकुलर्स की तरफ जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक तो या तो स्पॉन्टेनियस वो खुद ही बोल दे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से गेम की तरह इसको अपन एक छोटे गेम खेल बनाओ, एक इमेजिनरी केस लेते हैं, एक इमेजिनरी केस लेते हैं। आके उसने बोला, डॉक्टर साहब बहुत सर दुख रहा है मेरा। अच्छा, और कुछ? नहीं नहीं सर, बहुत दुख रहा है। कब से दुख रहा भैया? वो डॉक्टर साहब 2 दिन पहले या कल शाम को मार्केट से आते वक्त मैं भीग गया था। तो हेड पेन फ्रॉम गेटिंग वेट, देर आर 18 रेमेडीज गिवन, और आके बोले छाता लेके गया था, पैदल पैदल आ रहा था, छाता लेके गया था, चप्पल पहना हुआ था, लेकिन इतनी तेज बारिश थी कि पैर पूरे भीग गए थे। तो हेड पेन फ्रॉम गेटिंग फीट वेट अलग रूब्रिक है, इसमें 8 रेमेडीज है। और अगर बोले कि रेनकोट अच्छे से पहना था, बरसाती जूते भी पहने थे, लेकिन बारिश की वजह से सर भीग गया था, तो गेटिंग वेट हेड, सर भीग जाने से सर दुखे, सिर्फ सर भीग जाने से। सब अलग अलग रूब्रिक है। इसमें सर भीग जाने से अगर सर दुखे 7 रेमेडीज है ना, अगर पैर भीग जाने से सर दुखे 8 रेमेडीज, अगर पूरा भीग जाने से सर दुखे देन 18 रेमेडीज। तो आपने उससे पूछा, अपन अपने गेम में वापिस आते हैं, अपने खेल में वापिस आते हैं। अच्छा, अब आपको मालूम है कि यार मेरे पास तो 18 रेमेडीज है, इसमें से कौन सी दे दूं इसको? आप सोच ही रहे थे, पेशेंटली बैठे हुए थे, अनप्रेजुडिस माइंड बैठे हुए थे, और उसने बोला, डॉक्टर साहब ये कनपटियां जो है ना, बिल्कुल ऐसे लप 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 कर रही है। दूसरा सिम्टम स्पॉन्टेनियस आया, ठीक है ना। तो आपने क्या लिया, दूसरा रूब्रिक आपने लिया,
पल्सेटिंग पेन इन टेम्पल, उसने लोकेशन एंड सेंसेशन दोनों चीज बताई, लोकेशन एंड सेंसेशन। और जब आपने इन दोनों को जब मैच किया तो 18 रेमेडीज में से आपके पास सिर्फ 6 रेमेडीज रहेगी। भीगने के बाद सरदर्द और कैसा पल्सेटिंग पेन इन टेम्पल्स। अब आप कॉजेशन से अकेला आपका काम नहीं चल रहा था तो डॉक्टर हैनीमैन ने क्या बोला है अपने एफोरिज्म नंबर 5 में कि मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज एंड इट्स पर्टिकुलर्स। अब अपने को पर्टिकुलर्स देखना रहेगा। अब आप बोले यार ये तो कम से कम 6 रेमेडीज हैं। अब आप सोच ही रहे थे कुछ कि उसने, आप देख रहे हैं उसको कि वो बिल्कुल चैन से बैठ नहीं रहा है। तो ऑब्जर्वेशन, 2 मेंटल सिम्टम्स, एक रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन, दर्द की वजह से वो रेस्टलेसनेस है। और क्या कर रहा है, करा रहा है मॉर्निंग। ठीक, आपने तुरंत माइंड चैप्टर खोला, माइंड चैप्टर में आपने रेस्टलेसनेस खोला, रेस्टलेसनेस में आपने खोला पेन फ्रॉम, दर्द की वजह से। अब आपने देखा आपके पास 2 रेमेडी आ गई, पल्सेटिल्ला एंड बेलाडोना। और जब आपने माइंड चैप्टर में ही उसका दूसरा सिम्टम आपने देखा कि क्या कर रहा है, वो करा रहा है ऐसा कर रहा है वो मॉर्निंग। करहाना मतलब अपनी रिपर्टरी में क्या दिया हुआ है, मॉर्निंग पेन फ्रॉम। और अब आपके पास एक सिंगल रेमेडी आ गई एंड दैट इज बेलाडोना। सिंगल रेमेडी आ गई, खेल खत्म, केस खत्म। अब आप रस्टॉक्स दे देते उसको, भीग क्या है भैया, सर दर्द हो रहा है। कहां से रस्टॉक्स काम करती, डलका मारा दे दे साहब, कैसे काम करेगी। दिस पैथी इज वेरी स्पेसिफिक। क्यों है ये, क्यों? इमरजेंसी मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिकेशन में, मेडिसिन में सबको आप एक डंडी से हांक सकते क्योंकि वो इमरजेंसी है, उसमें आपको इंडिविजुअलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पद्धति पूरी तरीके से प्रकृति के नियमों पर बेस्ड है और प्रकृति का नियम यह कहता है कि ईश्वर की, ऊपर वाले की जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है खुदा की, वो इनफाइनाइट है, अनंत है, वो एक जैसा दूसरा बनाता ही नहीं है। तो हर चीज को लेके हर व्यक्ति का जो अभिव्यक्ति है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो अलग अलग होगा। छोटी छोटी चीजों में रहता है। अब तुम दोनों ही भीगे, तुम दोनों ही बीमार पड़े, तुम दोनों को ही मैं घुड़की दे रहा हूं कि ये क्या गलत काम किया तुमने है? एक ने शर्मा के ऐसे मुंडी नीचे कर ली, एक बेशर्मो जैसे हे हे करके। इतने छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन, क्या डिफरेंट। अब अगर आप इतने स्पेसिफिक हो जाते हैं, इतने स्पेसिफिक कब हो पाएंगे, जब मन को शांत रखेंगे, एकदम उछलेंगे नहीं। जितना बेचैन और परेशान पेशेंट हो रहा, उसके साथ आप भी बेचैन और परेशान नहीं होने लगेंगे, अनअफेक्टेड किसी भी चीज से बैठे रहेंगे। आपका पूरा ध्यान किस चीज पर रहेगा कि सही तरीके से मेरे को काम करना है,
अपने नियम से मुझे काम करना है। बोल दिया डॉक्टर हैनीमैन ने कि मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, लेकिन एक्साइटिंग कॉज में तो अगर कोई भीग गया और भीगने से उसको सर दर्द हो गया, उसमें तो 18 रेमेडीज हैं, मतलब केस अब उसके कंप्लीट नहीं है केस, तो मतलब अब उसके पर्टिकुलर्स की जरूरत पड़ेगी, और पर्टिकुलर्स तो स्पॉन्टेनियस जितने हो। एक बिरट आप दो रेमेडी दे ही नहीं सकते, और यही आपको मैंने पोटेंसी का भी ज्ञान हो, जब मैं आपको इजी पोटेंसी सिलेक्शन कर लिया था उसमें डॉक्टर केंट क्या कहते हैं, इन एक्यूट केस गिव 10 mg एंड अबव, दो पैराडोन 10 mg धरने से बिल्कुल एकदम उसके हेडेक में उसको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत सीवियरिटी फ्रीक्वेंटली दे दो, सी अब आप बोलोगे भीग गए थे रस्टॉक्स खा लिए, दिस इज पैथेटिक, दिस इज नॉट गुड, लेकिन प्रैक्टिस होते होते हो पाएगी। देखो आप नियम से चले, ठंडा दिमाग रखे, तो इस गेम से एक छोटा सा कितना दिलचस्प रहा, और कितनी दिलचस्पी से और कितनी इजीली सिलेक्शन हो गया। ठीक, आ गया समझ में? दैट्स हाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर रेमेडीज। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमने देखा कि अगर किसी को भीगने से जुकाम हो जाए, या सर के भीगने से हो जाए, या पैर के भीगने से फलानी चीज हो, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी लेना, क्या पूरा भीग गए थे? तो और स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर बोला नहीं सिर्फ सर ही सर भीगा था, तो गेटिंग हेड वेट दिया हुआ है, नहीं सिर्फ पैर भीग गए थे, या गीले शूज पहने हुए घूम लिया था, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो कार में रहता हूं, भीगने का तो सवाल नहीं उठता, लेकिन कार में भी अपने को उतर के थोड़ा सा इधर उधर तो होना ही पड़ता है, और सड़क में पानी भरा हुआ था, है ना, तो एकदम से तो जूतों में पानी घुस गया, वैसे गीले जूते पहने पहने में गए, घर पहुंचने में 1.5 घंटे तो लगी गए थे, उसके बाद से फिर ये होना चालू हुआ, तो फिर वहां पे इन जनरल गेटिंग वेट नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा गेटिंग फीट वेट। आपने देखा होगा जब तेज बारिश आती है तो आदमी कितना भी छाता लेके चलता है उसके पैर भीगी जाते हैं, और उसके बाद दिक्कत होगी, तो आप इन जनरल गेटिंग वेट मत लेना, आप लेना क्या लेना, गेटिंग फीट वेट। ठीक, नाउ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भीग जाने के बाद इस सीजन में लोगों को आती है, और वो है कंजंक्टिवाइटिस, लाल आंखें हो गई बिल्कुल एकदम, कंजंक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो गया, और कारण क्या है, भीग गया। सिर्फ एक रेमेडी कंजंक्टिवाइटिस आफ्टर गेटिंग वेट, एंड दैट इज रस्टॉक्स। हाँ, आप खाओ रस्टॉक्स, सही इंडिकेशन में खाओ तो रिलीफ मिलेगा। अब जुकाम में है ही नहीं कि भीगने से जुकाम हो जाए तो रस्टॉक्स, तो 1000 बार रस्टॉक्स खाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैच ही नहीं है, समान से समान की चिकित्सा है। डायनेमिक डिजीज को वो एनिहिलेट कैसे कब होती है, जब सेम चीज पैदा करने वाला एजेंट अंदर जाता है, और सेम जब मिलते हैं, तो प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि सेम फ्रिक्वेंसी, जब सेम फ्रिक्वेंसी मिलती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पुराने टाइम में आपने सुना होगा
या अभी भी देखते होंगे, खास तरह की गायक लोग या साउंड आर्टिस्ट फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं तो कांच का ग्लास टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और सेम फ्रीक्वेंसी आपने पैदा कर दी तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम जब मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम कंडीशन अपनी होम्योपैथी में भी होती है। इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देके समझाया है द ग्रेट डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज ने। उनकी जो बुक है, एक महान, एक बहुत जबरदस्त वर्क है, द जीनियस ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज। ही वॉज ए ग्रेट अमेरिकन होम्योपैथ एंड वेरी ग्रेट फिलोसोफर ऑफ होम्योपैथी। आपको अगर आप सीरियसली और सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको यू ऑल मस्ट हैव टू गो थ्रू हिज बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज। असल में इसमें उनने ये चीज समझाई, बताया इसके बारे में। खैर, तो कंजंक्टिवाइटिस अगर हो जाए किसी को भीगने के बाद, रेमेडी देयर इज ओनली वन। अब यहां पे आपको पर्टिकुलर्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक रेमेडी दी हुई है, केस कंप्लीट। भीगे थे, कंजंक्टिवाइटिस हो गई भीगने के बाद, द रेमेडी इज रस्टॉक्स। एक बड़ा अनोखा सिम्टम है हमारी रिपर्टरी में, मेरे सामने तो अभी तक नहीं आया, लेकिन है अपने पास, अगर कभी आ जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का केस आ सकता है आपके पास, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि भीगने के बाद अगर किसी को एपिस्टेक्सिस होने लग जाए, नाक से खून आने लगे, वी आर हैविंग थ्री रेमेडीज, डलका मारा, पल्सेटिल्ला एंड रस्टॉक्स। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स को साथ में लेके आपको कंप्लीट करके निकालना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट सिमिलिमम रेमेडी कौन सी है, बट आपके पास है ये चीज, ये आपको जानकारी में, आपकी जानकारी में होना चाहिए, ठीक। और किसी के फीट, पैर भीग जाने से अगर किसी को स्क्विंट हो जाए, स्क्विंट हो गया मतलब कैसे पता चलता है स्क्विंट हो गया? स्क्विंट हुआ मतलब क्या? स्क्विंट, जैसे मैंने अभी सिम्टम बताया तो आपको बताया था ना कि तुरंत समझ जाना कि ये कंजेशन ऑफ हेड की बात कर रहा है। स्क्विंट कब होता है? भेंगापन कब होता है? जब आई बॉल्स की मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। सामने वाला एक लेमन बोलेगा ये भेंगा हो गया, एक डॉक्टर क्या बोलेगा? इसकी आई बॉल की मसल्स का पैरालिसिस हो गया। जिस तरफ की मसल्स का पैरालिसिस हुआ है उसके अपोजिट साइड की नॉर्मल मसल्स उसको अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे अगर भेंगापन इस तरफ हुआ तो मतलब पैरालिसिस इसका हुआ, लेटरल रेक्टस, और इधर वाली नॉर्मल थी तो उसका टोन बराबर है तो उसने खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है ना, ऐसे में चली गई तो ऊपर वाली ऑब्लिक गई तो नीचे वाली ऑब्लिक ने उसको खींच लिया, क्योंकि समान प्रेशर था तो बैलेंस बना हुआ था। अब एक तरफ पैरालिसिस हो गया तो इधर का प्रेशर ने खींच लिया अपनी तरफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर राइट साइड फेस में पैरालिसिस आ जाए तो लेफ्ट साइड वाला, नॉर्मल साइड वाला खींच लेगा अपनी तरफ, तो ऐसे मूव हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ खींच जाएगा, ठीक। और पैर गीले होने की वजह से
बारिश में गए थे, छाता लगा के गए थे, बहुत तेज बारिश थी, पैर भीग गए थे या गीले जूते पहने हुए घूम लिए थे, जूतों में पानी घुस गया था, शूज भीग गए थे, अंदर सॉक्स भी पहने हुए थे वो भी भीग गए थे, और वही पहने पहने घूम लिया, भले ही कार में घूम रहे थे बाकी नहीं भीगे, और उसके बाद अगर किसी को स्क्विंट हो गया, पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ आई बॉल हो गया आफ्टर गेटिंग फीट वेट, देयर ओनली वन रेमेडी एंड दैट इज रस्टॉक्स। आप खाओ रस्टॉक्स। है ना, तो खाली भीगने के नाम पे कुछ भी हो रहा है ऐसा काम नहीं करना है ना, कि रस्टॉक्स जल का मारा ये सब नहीं, दे आर प्रोमिनेंट रेमेडीज, इसमें और स्पेसिफिक होते जाओ। ठीक, और अगर किसी को भीगने के बाद पैर गेटिंग फीट वेट, एक सवाल, चूंकि अब आपको अपनी रिपर्टरी का नॉलेज है कि किस किस तरह के भीगने के बारे में दिया हुआ है, तो कोई भी आके जब आपसे ये बोले ना, ये अपनी आदत बना लो कि भीगने के बाद से मेरे को ये दिक्कत है, तो एक क्वेश्चन आपका तैयार रहना चाहिए, क्या पूरा भीग गए थे? पेशेंट तो ये बोलेगा कि भीग गया था कल बारिश में, पूरा भीग गए थे, हो सकता है वो बताए नहीं रेनकोट पहना हुआ था खाली सर भीगा था, या बोले नहीं छाता लेके गया हुआ था, या कार में गया हुआ था लेकिन उतर के इधर उधर गड्ढे में पांव पड़ गया, पानी भरा हुआ था, जूतों के अंदर पानी घुस गया, वैसे ही जूते गीले पहने हुए घूम लिए, या छाता लेके मार्केट में घूम रहे थे, ऊपर की बॉडी तो बच गई लेकिन नीचे के पैर पैर भीग गए। तो गेटिंग फीट वेट से, पैर भीग जाने से अगर किसी को खूब छींके आ रही हैं, छींके, स्नीजिंग फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, देर इज ओनली वन रेमेडी एंड दैट इज ओसीमम सेंक्टम। क्या होती है ओसीमम सेंक्टम? क्यों डॉक्टर, क्या होती है ओसीमम सेंक्टम? तुलसी, तुलसी ओसीमम सेंक्टम, ये एक सिंगल रेमेडी है अगर पैर भीग जाने से किसी को भयंकर छींके आ रही है। तरह तरह के नाम ले लेते हैं, एलर्जी हो गई बोले डॉक्टर, तो नामों के पीछे छुपे हुए सिम्टम्स को जरूर देख लेना, एक सही होम्योपैथ की नजर रखना। अगर कोई भीग गया और भीगने के बाद उसको फेसियल पैरालिसिस हो गया, मुंह टेढ़ा लेके चला आ रहा आपके पास, फेशियल पैरालिसिस हो गया किसी को और कारण है भीगना, तो कोई भी डाउट नहीं रखना, एक सेकंड भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपके माइंड की ट्रेनिंग हुई है फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं सुपर ग्रेड में, डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में मेडिसिन के 3 ग्रेड दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेकिन सिंथेसिस रिपर्टरी में 4 ग्रेड दिए हुए हैं, एक सुपर ग्रेड भी है, सुपर ग्रेड में एक अकेली दवा दी हुई है और दैट इज कॉस्टिकम। भीगने के बाद अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस हो गया, देयर ओनली वन रेमेडी, वो भी सुपर ग्रेड में, देन दैट इज कॉस्टिकम। वैसे भी कॉस्टिकम इज ए वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर पैरालिसिस, पर यूनिवर्सल नहीं है कि हर पैरालिसिस पे उठा के आप कॉस्टिकम दे रहे हैं, फिर होम्योपैथी को दोष दे रहे हैं कि यार होम्योपैथी में तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। किसी को के अगर अगर कोई भीग गया और भीग के अगर आया आपके पास और भीगने के बाद उसका दांत दुख रहा है,
टीथ पेन, दांत का दर्द किसी भी चीज से हो सकता है। अपन जब समर रेमेडीज के बारे में पढ़ रहे थे तो हॉट वेदर से दांत में दर्द होना भी देखा अपन ने, जब अपन वार्म वेट वेदर यानी कि ह्यूमिडिटी का उसमें भी दांत दर्द, मतलब बॉडी का कोई भी रिस्पॉन्स लेकिन कॉजेशन के साथ मिलके वो टोटलिटी बनती है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी, सबसे ज्यादा वैसे चार रेमेडी हैं कि अगर भीगने के बाद, गेटिंग वेट के बाद भीग गया कोई और उसके बाद उसका दांत दुख रहा है, तो सबसे चार रेमेडी हैं लेकिन उसमें सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है लेकेसिस फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में कैल्केरिया गार, और सोचो बेलेडेना एंड रस्टॉक्स थर्ड ग्रेड में दी हुई है। ठीक, अब यहां मोडालिटीज, पर्टिकुलर्स, लोकेशन, सेंसेशन, जब एक से ज्यादा रेमेडी है और कॉजेशन अपने पास है, लोकेशन भी है टीथ, कॉजेशन क्या है गेटिंग वेट, कारण गेटिंग वेट, कारण बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला था, कॉजेशन अगर मिल गया, डॉक्टर फेरिंगटन क्या कहते हैं, भले सिम्टम मैच ना कर रहे हो लेकिन अगर कॉजेशन मेरे पास और सॉलिड है तो मैं कॉजेशन पे रेमेडी दे देता हूं और मोस्टली सक्सेसफुल हो जाता हूं। द ग्रेट डॉक्टर बुगर क्या कहते हैं कि जिस केस में कॉजेशन नहीं मिल पाता है उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कॉजेशन मिल जाता है केस इजी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉजेशंस, ध्यान रख लेना। मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वॉज एब्सोल्यूटली हेल्दी, खुद डॉक्टर, आर्थिक रूप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली भी उससे वो संतुष्ट है ना, अच्छी उसकी वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, बच्चे कच्चे सब हैं, देर इज नो प्रॉब्लम, और उसको ढंग से नींद नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम, बड़ी लाइट स्लीप रहती है, उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा नर्वस सिस्टम रिलैक्स, जरा से भी खटखट हुई तुरंत नींद खुल जाए, ऐसे सो रहे हैं जैसे कि जागे हुए, सेमी कॉन्शियस स्लीप, आसपास खटरखटर हो रही, कोई चल फिर रहा है सुनाई दे रहा है, सुबह उठ रहे हैं थके हुए उठ रहे हैं, कोई फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है, क्यों हो रहा भाई, क्यों नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं हो पा रहा। और कारण पता क्या पता चला पता है, कारण ये पता चला कि वो कुछ अच्छी संगतों में, रिलीजियस ग्रुप्स में जाने लगा, मेडिटेशन कैंप्स अटेंड करने लगा, जहां उसने कुछ अच्छी बातें, नैतिक बातें सुन ली कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा मत बोलो, हर जीव में परमात्मा होता है। अब किसी ने उससे ऊंची आवाज में बोल दिया, गाली बक दी उसको, उसको भी गुस्सा आया कि दे दूं इसको एक घूंसा, या इसको मैं भी गालियां बक दूं, लेकिन तुरंत वो ओढ़ी हुई नैतिकता, एक होती है नैतिकता जो फलित होती है, उसका आपको एहसास नहीं होता, फल को जब आधा पका रहता तब खींच के तोड़ो तो पेड़ को भी बहुत इफेक्ट होता है और फल को भी इफेक्ट होता है और वो बेस्वाद होगा, लेकिन जब फल पकता है, मैंने बोला ना कुरान में एक जगह लिखा हुआ है, ईश्वर बोलते हैं मेरी एक एक चीज में तुम, अगर तुम्हारे पास देखने की नजर है तो तुम मेरी साइंस पहचान पाओगे। तो जो फल जब पक जाता है तो वो पेड़ से ऐसे अलग हो जाता है
ना पेड़ को कोई दिक्कत होती है, ना फल को कोई दिक्कत होती है, और वो अच्छा मीठा होता है, है? तो वो आदमी अपने ही प्रति ईमानदार नहीं पा रहा है, क्रोध आया और एक ओढ़ी हुई नैतिकता बीच में आ गई कि नहीं, उसमें भी परमात्मा है, मैं उसको क्यों कुछ बोलूं। और वो जो क्रोध आया था, गुस्सा आया था, वो उसके अंदर ही रह गया। कई बार एक एक दो दो दिन तक गुस्से में घूम रहे हैं, लेकिन सप्रेस हो गया एंगर, सप्रेस हो गया इमोशन, ठीक है? तो ओढ़ी हुई नैतिकताओं के चक्कर में भी लोग बाग बहुत बीमार पड़ते हैं, ठीक? ईमानदारी से रहें, अपने अंदर जैसा है वैसा ही बाहर एक्सप्रेस करें। कोई जरूरी नहीं है कि जाहिल बन जाए, चीजों को एक्सप्रेस करने का सही तरीका होता है। अगर आपको क्रोध आ गया, आप सभ्य आदमी हैं, सभ्यता से आप कह सकते कि देखिए सर, ये बात मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना? अगर आपको ऐसा करना है, मेरे को बहुत जोर से गुस्सा आ गया, अगर आपको ऐसा करना है तो आप हमसे ना ही मिलो तो अच्छा है, है ना? नहीं तो अगली बार गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एक्सप्रेस इट, उस दमन का। तो मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, किसी ने किसी की तरफ वजह से ग्रज दबा लिया, कोई नाराजगी दबा ली, कोई दुख दबा लिया, उसका सबसे पहला असर पड़ता नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम का रिलैक्सेशन चला जाता है, क्योंकि कोई चीज निकल जानी थी निकल नहीं पाई, दौड़ रहा वो करंट, वो करंट दौड़ रहा है, और करंट दौड़ रहा है वो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स नहीं होने दे रहा है, नींद चली गई। एक पेशेंट जिसको नींद बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती थी, आई नहीं रही थी, नींद नहीं आ रही थी, कारण कोई समझ में ही नहीं आ रहा था, सब अच्छा चल रहा, सब बढ़िया चल रहा है, घर में समृद्धि है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, है ना? बढ़िया अपने पति बच्चों के साथ रह रही है वो लेडी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, है? और नींद नहीं आ रही। तो एक दिन क्या हुआ, फ्रेंड्स के साथ, हाई सोसाइटी के हैं, हाई सोसाइटी के लोग आजकल शराब वराब पी लेते हैं कभी कभी पार्टी वगैरह में, तो किसी पार्टी वगैरह में उसने शराब पी ली। शराब की एक खासियत होती है, शराब आपकी असलियत बाहर लेके आ जाती है। आमतौर पे हमारे पास जो लोग आते हैं वो मुखौटा लेके आते हैं, उसमें उनकी असली जी सर, यस सर, बड़ी सभ्यता से बात करेंगे, अंदर क्या है असली गंदगी, असली फोड़ा, वो सब छुपा के रखते हैं, रंग रोगन करके रखते हैं। और जब तक आप असली फोड़े को नहीं देखोगे, तब तक सही इलाज भी नहीं कर पाओगे। एक रूस में, पिछली सदी में रूस में एक बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक गुरु हुआ, जॉर्ज गुर्जिएफ। उसने एक बहुत शानदार किताब लिखी हुई है, ऑल एंड एवरीथिंग, कभी मिले नेट पे शायद अवेलेबल हो जाएगी, पढ़ना, बहुत जबरदस्त आपका साइकिक डेवलपमेंट होगा उसको पढ़ने से, आप बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर, उसके मन की स्थितियों को समझ पाओगे। तो जब जॉर्ज गुर्जिएफ के पास कोई आता कि आप मुझे अपना एज ए डिसाइपल ले लें, एक शिष्य बना लें मुझे, तो वो कहता था एक काम करना, अभी तो मीटिंग चल रही, सभा लगी, लोग बाग मिलने आ रहे हैं, शाम को आना। और जब वो शाम को आता था
तो जॉर्ज गुरजीएफ उसको खूब शराब पिलाता था, इतना शराब कि उसका कॉन्शियस माइंड बेहोश। अब कॉन्शियस माइंड बेहोश हो गया, जो कि 10% है, अब सामने 90% उसकी असलियत, उसका सारा दमन, उसके सारे संस्कार, जो जो उसने सीखा है, जो जो उसने दबाया है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड सामने है। अब उससे कुछ पूछेंगे तो वो बताएगा, असलियत बकेगा, तो तब पता चलेगी कि इसकी असली बीमारी कहाँ छुपी हुई है। और शराब शायद पहली या दूसरी बार पी थी वो उस लेडी ने, तो एक आध पैक के जाते ही जब नशा आया तो अंदर की दिल की बात निकल के आई कि मेरे फलाने रिश्तेदार ने इतने साल पहले मेरे साथ ये अन्याय किया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने अपने पापा से बताया, मेरे पापा ने बोला नहीं रहने दो, रिश्तेदारी में ये सब चलती रहते हैं, तो चुपचाप बैठ जाओ, तो वो क्रोध मैंने दबा लिया था। सी, और इतने सालों बाद भी उसका इफेक्ट कि उसको नींद, अक्सर उसकी नींद उड़ जाती है, अक्सर वो रिलैक्स नहीं हो पाती। और ये चीज बहुत दिनों तक अगर अनट्रीटेड रह जाए प्रॉपरली, सही नींद नहीं आ पाए, तो हार्ट अटैक के बहुत जबरदस्त चांसेस हो जाते हैं। बस आपके हार्ट के स्वस्थ रहने के लिए, आपके हार्ट के हेल्दी रहने के लिए एक प्रॉपर रिलैक्सेशन, प्रॉपर आराम, प्रॉपर नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना हमेशा, खुद के लिए भी और अपने पेशेंट्स के लिए भी। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर द कॉजेशन, चाहे मेंटल लेवल के लिए हो, चाहे फिजिकल लेवल में हो, और कॉजेशन एंड मैनिफेस्टेशन देन टोटैलिटी एक्यूरेट रेमेडी। सो सिंपल इज द होम्योपैथी, है ना। पर इस सिंपलिसिटी तक पहुंचने के लिए कबीर ने तो कह दिया कि साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि सबसे भली होती है। पर सहज होना, आज का आदमी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना असहज है कि सहज होना बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात है। इतने कॉम्प्लिकेशंस, इतने झूठ, इतने पर्सनालिटीज, इतने पाखंड ओढ़ लिया आदमी कि वो असलियत और सहजता वो खुद ही भूल गया। बात समझे ना। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी अपन कौन सा कारण पकड़ के चल रहे हैं, गेटिंग वेट। कोई भीग जाए तो उससे उसको किस किस तरह की दिक्कत हो जाए, और तो आप किस तरीके से ऐसी कंडीशन में एक्यूरेट रेमेडीज दे पाए। अब देखो एक जबरदस्त रूब्रिक अपने पास दिया हुआ है, और केंट रिपर्टरी में इसकी सिर्फ एक दवा दी हुई है, ओनली वन रेमेडी। कोई सोचेगा भी नहीं किसी के पैर भीग गए, और पैर किस कंडीशन में भीगते हैं। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेना कोई भीगने की शिकायत करे तो, कि क्या पूरा भीग गए थे। क्वेश्चन भी आपको आपकी रिपर्टरी के पढ़ने और नॉलेज से बनेंगे, ये तो आप इन जनरल गेटिंग वेट ले लेंगे। तो किसी के पैर भीग गए, वो चाहे गीले जूते पहन के घूमा हो, चाहे छाता लगा के चल रहा हो, तो पूरा जिस्म बच गया और पैर भीग गए, और उसके बाद पेट में मरोड़ हो रही है, क्रैम्पिंग पेन इन एब्डोमन। डॉक्टर केंट कहते हैं देर इज ओनली वन रेमेडी इन सेकेंड टू ग्रेड में, एंड देट इज एलियम सीपा। एलियम सीपा अगर आप नहीं जाएंगे अपने सही तरीके से, तो कभी जिंदगी में नहीं सोचेंगे कि इस कंडीशन के लिए एलियम सीपा दे दूं। सी, सिंथेसिस रिपर्टरी में आए तो दो और रेमेडी जोड़ ली गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि द मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट रिलायबल रिपर्टरी इज केंट रिपर्टरी। आंख मूंद के आप विश्वास कर सकते हो, मेरे हिसाब से अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये रिपर्टरी
आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। कई एक बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन प्रैक्टिशनर हुए अपने भोपाल में, उनकी पूरी प्रैक्टिस मैंने देखी थी, कैंट्री पटरी पे ही बेस्ड थी। इतनी मोटी पुराने टाइम में जो इतनी बड़ी कैंट्री पटरी आती थी वो लेके बैठे रहते थे, पेशेंट की तरफ देखते भी नहीं थे। मैंने उनका प्रैक्टिस करने का स्टाइल देखा है ना, अब तो वो है नहीं थे, और उनको मैं कब से, जब मैं होम्योपैथी के बारे में जानता नहीं था, यहाँ बैठते थे एक डॉक्टर सुब्बरा, बड़े फेमस थे, वैसे इतनी मोटी और बड़ी वाली कैंट्री पटरी हिंदी में लिखी हुई लेके बैठते थे, और पेशेंट आगे बात कर रहा है और रिपर्टरी उसको सुन रहे हैं, और रिपर्टरी पलटते जा रहे हैं। पेन भी उनके हाथ में नहीं रहता था, और कोई ऐसा एक पॉइंट उसने बोला और वो ऐसे उठा के दवा दे देते थे। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट से चीज़ें जानी जाती हैं, कोई यूं ही फेमस नहीं हो जाता, किसी के पास यूं ही लाइन नहीं लग जाती है, क्योंकि धुआं उठ रहा है मेरे दोस्त, तो आग लगी होगी कहीं ना कहीं। बात समझ में आई ना, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। हाँ, चालाकी से मक्कारी से वक्तिया तौर पे कोई पहुंच सकता है, लेकिन जितनी तेजी से जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। आप देखना होम्योपैथी के क्षेत्र में ही कितने तरह के वीडियोस बनते हैं, पॉपअप होते हैं, एकदम से आदमी को जोश आता है कि हम एक यूट्यूब वीडियो बनाएं, और फिर वो कहां चले जाते हैं, कौन से कोने में घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो रिजल्ट से समझ में आ जाता है कि ये बम फुस्सी बम था, है ना। यहां पीछे कोई एक नॉलेज, एक्यूरेट प्रैक्टिस, डेडिकेशन नहीं था, जस्ट एक मेयर एक दिमागी खुजली थी कि फेमस हो जाए। तो कितना टिकेगा, नहीं टिकेगा, समझे। सो एक बात और करेंगे आज, गेटिंग वेट, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से ताबड़तोड़ बारिश हो रही है बाहर, अभी थोड़ा और खींचेगी बारिश, अभी और पेशेंट्स आएंगे आपके पास भीग के, तो एक लेक्चर शायद और लगेगा भीग जाने से होने वाली समस्याओं पे। धनाधन ने रिपर्टरी खोल के देखा करो जब मैं बताता हूं, तो आदत हो जाएगी रिपर्टरी खोलने की, चाहे लैपटॉप पे खोलो चाहे बुक फॉर्म में खोलो, लेकिन खोलो जरूर। अगर किसी को भीगने के बाद दस्त होने की शिकायत हो जाए, मुझे वो जुमला मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरी शुरुआती प्रैक्टिस के दिन थे, मेरे साथ पढ़ने वाली ही एक कलीग आई मेरे पास मेरे क्लिनिक में, उसको दस्त हो रहे थे, और उसने बताई कि कुछ दिन पहले मैं भीग गई थी, भीगने के बाद से कुछ दिन पहले, और उसको वो रिलेट नहीं कर रही थी क्योंकि उसका एटीट्यूड होम्योपैथिक हुआ ही नहीं था, वो तो सिर्फ इसलिए आ गए थे होम्योपैथी में कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा किसी अस्पताल में या आयुष में या कहीं पे ऐसी कोई नौकरी मिल जाएगी और जीविका चल जाएगी, होम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं। होम्योपैथी एक जुनून है, होम्योपैथी एक डेडिकेशन है, होम्योपैथी एक लाइफ स्टाइल है। बात समझ में आई। सो कहती है, मैंने बोला कि वो भीगने से हुआ तेरे को, अरे हट, भीगने से कभी दस्त होता है क्या, दिमाग खराब है। उनका एलोपैथिक एटीट्यूड ही है कि जब तक कुछ जहरीला नहीं खा लिया, कुछ इन्फेक्शियस नहीं हो खा लिया, तब तक दस्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, बॉडी का रिस्पांस किसी भी एक्सपोजर के अगेंस्ट में आ सकता है।
धूप से भी दस्त होते हैं, सर्दी गर्मी से भी दस्त, सर्द गर्म हो जाए तो भी उससे भी दस्त हो सकते हैं, मतलब तो गैस्ट्रिक कटार, गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन, एंट्राइटिस, ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, बारिश से भीगने से भी हो सकता है। और बारिश में भीगने के बाद अगर किसी को दस्त हो जाए, यहाँ पे आपके आफ्टर गेटिंग वेट चार रेमेडी दी हुई हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी है रस्टॉक्स फर्स्ट ग्रेड में, और अगली चार रेमेडी, दूसरी तीन रेमेडी क्या है, एकोनाइट, केलकेरिया एंड वेराल्ट्रमेरो। लेकिन वहीं पे ये दिया हुआ कि अगर पैर भीग जाए और पैर भीगने के बाद अगर दस्त हो तो वेराल्ट्रमेरो एंड केलकेरिया कार्ब नहीं है, एक रेमेडी जुड़ गई, एकोनाइट, लक्स मोस्टाटा एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इस रस्टॉक्स। ठीक। और अपने एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहां नहीं दी हुई है रिपर्टरी में, लेकिन मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उसको इन तीनों में से कोई दवा नहीं दी थी, मैंने उसको दी थी डलका मारा, और वो डलका मारा से ठीक हो गई थी। सो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसमें कि होने के बाद दस्त हो जाए आप डलका मारा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, डलका मारा मोस्टली प्रोमिनेंटली आती है कि अगर ऐसा वेदर चल रहा हो, भीगा ना, उसमें दस्त हो रहे हैं, डलका मारा, कोल्ड वेट वेदर चल रहा, लेकिन एकदम भीगे ही उसके बाद हो गया, देन मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी इज रस्टॉक्स। हो सकता है लकीली डलका मारा काम कर गई, ठीक है ना, बट यू हैव टू गो थ्री योर रिपर्टरी, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होने की कोशिश करें, किसी के झक और किसी के विम्स में ध्यान मत दें, ठीक। और ऐसे इतनी जल्दी किसी भी नतीजे में पहुंचने की कोशिश नहीं करें, शांत दिमाग से केस कंप्लीट होने दें, ठीक। बहुत जल्दी एक दो दिन के अंदर ही कोशिश करूंगा कि एक और लेक्चर, उसमें अपन भीग जाने से होने वाली दिक्कतें को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि अपने सुनने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छे जानकारी वाले वीडियोस प्रोवाइड करें। इसके लिए हमारे होम्योपैथी ग्रुप्स की तरफ से और भी डॉक्टर्स के द्वारा, ख़ास तौर से जो मेरे मित्र हैं, मेरे पार्टनर हैं डॉक्टर दीपेश यादव, उनके द्वारा भी अब वीडियोस लॉन्च किए जा रहे हैं, जो जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और भी अच्छे और नॉलेजेबल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं।